कुछ मिला? बोले कुछ नहीं मिला। बोले आज कल फिर जाओगे? बोले जाऊंगा। बोले पागल आदमी, पिछले एक महीने से तू मेहनत कर रहा है और तेरे हाथ अभी तक कुछ लगा नहीं और फिर भी कह रहा है मैं जाऊंगा, क्यों? बोले महाराज ये मेरा कर्म है, अगर मैं कर्म करना बंद कर दूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आज नहीं तो कल वो कुछ न कुछ मुझे जरूर मिलेगा, इसलिए मैं एवरीडे जाऊंगा, एक दिन तो मिलेगा ना। ये सबक है उन लोगों के लिए जो भगवान को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। महात्मा जी ने सोचा मुझसे बड़ा साधक तो यह है, कभी कभी तो मैं हिल जाता हूं कि भगवान कब देंगे, कहीं मर ना जाऊं, लेकिन मुझसे बड़ा साधक तो यह है, ये चोरी भी कितनी साधना के साथ करता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे मिलेगा। वैसे ही सच्चे साधक को सच्ची साधना करनी चाहिए कि मेरा ठाकुर मुझे आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो दिन जरूर आएगा जिस दिन उसे मेरी याद आएगी। और एक बात, दुनिया वाले कृष्ण को याद करते हैं ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कृष्ण तुम्हें याद करने लग जाए ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ब्रज की गोपियां कह रही हैं, हे कृष्ण हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं, हमें छोड़कर मत जाओ, हमारी शुद्ध करो, हमारी याद करो, एक बार आकर हमें दर्शन दो। अब श्री कृष्ण ने जब गोपियों का करुण रंदन सुना तो उनसे रहा नहीं गया, पीतांबर धरास्त्रगवि साक्षात मनमथ। कृष्ण वहीं प्रकट हो गए, अब वहीं प्रकट हो गए इसका मतलब कहीं गए थे तो आते कहीं दूर से, फिर वहीं कैसे प्रकट हो गए? बोले ये मेरे ठाकुर जी बड़ी विचित्र लीला करते हैं, वो कहीं गए नहीं थे। गोपियों को एक क्षण के लिए भी छोड़कर कहीं नहीं गए, तो गोपियां किसके लिए रो रही थी, क्यों रो रही थी? बोले गोपियों को दिख नहीं रहे थे लेकिन थे तो वहीं। बोले वहां कैसे थे? बोले उन्होंने अपनी पीतांबर को ओढ़ लिया और गोपी बनकर उन्हीं के बीच में रह गए, गोपी बनकर उन्हीं के बीच में, तभी तो पीतांबर दशरथ भी साक्षात मनमथ। कामदेव का मन मथने वाले श्री कृष्ण ने पीतांबर हटाया और जैसे पीतांबर हटाया गोपी स्वरूप अदृश्य हो गया और कृष्ण प्रकट हो गए। एक संत का बहुत अच्छा भाव है, कृष्ण गोपियों को छोड़कर क्यों नहीं गए? बोले उनमें कई गोपियां ऐसी थी कि कृष्ण अगर वहां नहीं होते, कृष्ण को चिंता रहती है ना अपने प्रेमियों की, कृष्ण सोचते थे कहीं ऐसा ना हो कि मेरे विरह में कोई प्राण ना निकल जाए किसी का, अगर किसी का प्राण निकल गया तो मैंने ये प्रेम करने के लिए रास किया है, किसी के प्राण निकल जाए इसलिए रास नहीं किया है, किसी के प्राण ना निकल जाए इसलिए कृष्ण वहीं थे, दशाओं पर नजरें लगाए हुए थे, वो देख रहे थे कि ये क्या क्या लीला कर रही हैं, वो देख रहे थे वो ये क्या क्या गायन कर रही हैं, वो सुन रहे थे ये क्या क्या सुना रही हैं। प्रेमी को बड़ा आनंद आता है अपने प्रेम, कृष्ण को तो कम से कम बहुत आनंद आता है अपने प्रेमियों के मुख से कुछ सुनने में, और वो भी अगर उलाने हों गालियां हों तो क्या जवाब ही नहीं। नरसिंह मेहता ने कहा करूं लिखा, नरसिंह मेहता को जब देर हो गई ना बात भरने, सांवरिया नहीं पहुंचे तो नरसिंह मेहता कहा करे कहा करूं मेरे भाग्य लिखे तू दो बापन को जायो, कितनी बड़ी बात कह दी, कहा करूं मेरे भाग्य लिखे हो तू दो बापन को जायो, तेरे कसूर नहीं है, तू मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, तेरे दो दो तो बाप है। और तब भगवान प्रकट हुए, पग पग पे सबके भक्तों की, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले मधुसूदन वहीं गोपी बनकर ही बैठे थे गोपियों के बीच में। वो जब एक दूसरे बड़ा निष्ठुर है, जट मुकट घूंघट क्यों बोल, हां नंद को छोरा बड़ो निष्ठुर है, अपने लिए कह रहे हां नंद को छोरा बड़ो निष्ठुर है, उनकी मैया ने उखल से बांध दी मैंने ही खुलवाए, बोले हम ही नहीं तो खुलवाए, मैं हम ही भर रहे,
वहीं बैठे हैं और वहीं अपनी बुराई सुन रहे हैं, कथा सुन रहे, अपनी कथा सुन रहे। क्यों? बोले भक्तों की चिंता मेरे भगवान से ज्यादा किसी को हो नहीं सकती, सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी मेरा कृष्ण करता है, मेरा गोविंद है जो तुम्हारी चिंता करता है, लेकिन मेरी नजरें नहीं है जो मैं उसे पहचान सकूं, मेरी नजरें नहीं है। इस लायक आज इस गोपी गीत के प्रकरण पर बोलने के लिए मेरे मन की इच्छा थी कि सर्वप्रथम तो गोपी गीत आपको पूर्ण सुनाया जाए, द्वितीय जितना भी क्रम हो वो गोपी गीत के विषय में और प्रेम के विषय में समझाया जाए, अंत तो गत्वा तो यही होता है, उधो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो। प्रेम तो अनंत है, अगर किसी तन में विराजमान हो जाए तो वो तन तन नहीं रहता, वो मंदिर बन जाता है, वो देवालय बन जाता है, वहां स्वयं श्री कृष्ण वास करते हैं, गोविंद वास करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही ब्रज की गोपियों ने, गोपियों के साथ जो कृष्ण ने महाराज किया उसका लक्ष्य था, महाराज का लक्ष्य क्या था ध्यान से सुने, कामदेव को परास्त करना। कामदेव, जो कामदेव अभी तक किसी से परास्त नहीं हुआ था, उसी कामदेव को परास्त करने के लिए मेरे प्रभु ने ये महाराज किया, अनंत कोटि गोपियों के मध्य में कृष्ण ने महाराज किया और गोपियों की सहायता से अपने इच्छा को, अपने मन को पूर्णतः से ऐसा तैयार किया कि अब कामदेव को परास्त करना है, और कामदेव को परास्त किया। ये लीला, ये रास काम मुक्त है, काम युक्त नहीं है। और आइए अब थोड़ा भगवान के विवाह की ओर बढ़े, क्योंकि आज आप सभी विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, और मुझे भी काफी शिकायत मिलती है, बोले महाराज कल भी परिक्रमा नहीं लगवाई आपने, टीवी पे हम लोगों को मिला नहीं, विवाह तो आज करा ही दीजिएगा। तो आइए जितना भी संभव हो सके आगे बढ़ें। 11 वर्ष 56 दिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन से कृष्ण मथु वृंदावन में रहे, ब्रज में रहे, और आगे की लीला करने के लिए श्री कृष्ण मथुरा कंस के बुलाने पर चले। अक्रूर कंस को, कंस के कहने पर कृष्ण और बलराम को लिवाने के लिए आए, और जब पहुंचे देवकी वसुदेव भी भयभीत हैं, क्यों बुलाया जा रहा है, नंद यशोदा को तो ये बात मालूम ही नहीं। अक्रूर ने जब जाके संदेश दिया तो कृष्ण जाएंगे ये संदेश सुनते ही पूरे ब्रजवासी अपनी शुद्ध भूल बैठे, ऐसा कैसे हो सकता है कि कृष्ण हमें छोड़कर चला जाए, कृष्ण को जाने नहीं देंगे, सब ब्रजवासियों ने निश्चय किया। लेकिन छलिया नटखट श्याम सुंदर ने सबको झूठ बोला, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, चिंता मत करो, मेलो देख के, धनुष यज्ञ को मेलो देख के मैं परसों आ जाऊंगा, तुम बस यही मेरो इंतजार करो। कछु ब्रजवासी श्री कृष्ण के संग में गए, और कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। मथुरा में पहुंचकर जमुना के तट पर सबसे पहले रजक वस्त्र धोने वाला मिला, उसको कंस ने भेजा था, जाओ कृष्ण को मार दो, और अगर तुम कृष्ण बलराम को मार देते हो तो हम तुम्हें मथुरा का आधा राज्य देंगे। ये रजक कृष्ण को मारने आया, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, ग्वालवाल बोले अरे भैया पहली बार मामा ते मिलवे जा रहे हैं, वस्त्र अच्छे नहीं है, ये वस्त्र धोवे वारे तेने अच्छे अच्छे वस्त्र दिबाए दे। कन्हैया बोले मांग ले, अपनी ननसार है सब दे देंगे। बोले भैया हमें वस्त्र दे दे पैरवे काजे। अरे बोले पागल हो गए हो क्या तुम, ग्वारिया गमार गैया चराने वाले, तुम्हें क्या पता ये राजसी वस्त्र कैसे पहने जाते हैं, तुम्हें क्या पता।
मधुमंगल बोले, अरे तू हमारे कन्हैया है समझे नहीं है, ये राजन को भी राजा है तू नहीं जाने। अरे बोले मैं तो इसे मारने आया हूं। और जैसे ये शब्द बोला मधुमंगल को क्रोध आ गयो। मधुमंगल कृष्ण से 5 साल बड़े हैं और कन्हैया से बहुत प्रेम करते हैं। कन्हैया बोल, मधुमंगल बोले, अरे ओ भैया कन्हैया, अरे भैया ऐसी ननसार हमने कहू ना देखी, वह ननसार में तेरे आयवे को स्वागत ऐसे कर रहे हैं ये। एक काम कर, जैसे तैने पूतना मारी, जैसे तैने अकाजुर बकाजुर तना व्रत मारे, वैसे ये उसारे मार दे। जब जाके हम कचूना लगे तो जी हमारो कचूना लगे, द मार दया। भाई रिश्तेदारी दोनों तरफ से निभनी चाहिए ना। हम कह रहे हैं ये मामा तो ये हुआ, तो भांजे की कदर करनी चाहिए कि नहीं? नहीं कर रहे हो तो मार दो, हमारा कोई मामा वामा ना, कोई इंसार ना। कन्हैया ने वाको पाम पकड़े, बोले जो आज्ञा गुरु जी। मधुमंगल की आज्ञा को पालन करो। मधुमंगल कौन है? ब्राह्मण है। भगवान भी ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। बोले चिंता मत करो गुरु जी, अभी ले पाम पकड़े न्यू घुमाया और एक धरती से मारा, झट चित्त है गयो, ऊपर ही जाके धोवेगा जो कुछ धोने होंगे। अब राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हे मेरे प्यारे हो, वस्त्र पहने पर वस्त्र पूरे फिट नहीं आ रहे, कोई बड़ो है कोई छोटो है कोई कैसो हुए, तो एक वस्त्र ठीक करवारो, वस्त्र सिंबेवारो मिलो, वाते वस्त्र ठीक करवाए। कन्हैया ने वाकू भक्ति प्रदान करी। एक माली मिलो, वाते माला पहनी, फूल ले और सब लगा के चकाचक है के आगे बढ़े। इतने में एक कुब्जा आ गई, कुब्जा कई जगह ते टेढ़ी साहब, एक आध जगह से नहीं बहुत जगह से टेढ़ी। बातें कही हरी ने सुन नहीं है का? बोले हाँ जी। बोले ने चंदन लगा दे, हमारे चंदन लगा दिए, कंस की दासी है, कंस को चंदन लगाने जाती है एवरी डे, लेकिन आज कृष्ण को देखा तो प्रोग्राम बदल लिया, बोले आज तो नहीं लगाऊंगी। और कन्हैया ने देखी बिचारी कई जगह ते बूढ़ी ठेढ़ी है, या कह दूं तो झट कन्हैया ने अपने कर कमल स्पर्श करा दिए। और जैसी कर कमल स्पर्श भये, वो तो ऐसी है गई नई नवेली दुल्हन, अवई अवई आइया का स्वीट 16। बूढ़ी टेढ़ी केऊ जगह ते टेढ़ी, और जैसी कन्हैया के हाथ लगे, दुनिया की मिस वर्ल्ड या के आगे कहा लगाई, इतनी सुंदर है गई। अब तुम चाहो तो ताली बजा लो, चाहे तो रो लो, चाहे तुम अपने मेरे विरुद्ध चले जाओ कि महाराज जी ये क्यों कह रहे हैं। तुम्हारी समाज में जो होता है वही वर्णन कर रहा हूं। हमारे भारत की बहन बेटियां भी बहुत सारी तैयारी करती हैं, किस लिए? बोले हमें मिस वर्ल्ड बनना है। चूल्हे में दे दे वा फीलिंग है, जो मिस वर्ल्ड बनवे की कह रही कहां है। अगर बनना ही है तो एक फीलिंग पाल ले, एक इच्छा पाल ले कि मुझे ठाकुर जी की गोपी बननी है, और जैसे ही आएगा उसी दिन तुम जो है दुनिया से आगे निकल जाओ। दुनिया क्या लाई, सबसे चकाचक हो जाएगा मेरे प्यारे हो, मैं तुमसे वादा करता हूं। ऐसी सुंदर कर दई, ऐसी सुंदर कि मथुरा में या की बराबर कोई और सुंदर नहीं। अब तो कन्हैया जावे लगे, झट हाथ पकड़ लियो, अब कहां जा रहे हो? कहां जा रहा हूं? मामा ते मिलवे जा रहा हूं, और कहां जा रहा हूं? बोले मामा ते बाद में मिलियो, पहले हमारी इच्छा को पूर्ण करो। कहा चुन चुन कलिया सेज बिछाई, चुन चुन कलिया सेज सा।
आपसे खड़ा होने के लिए किसने कहा? अरे राम राम राम। सोने को लोटा जमुना जल पानी, 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 भोगे लगाओ घन श्याम सांवरे आए जैया, भोगे लगाओ घन श्याम सांवरे आए जैया। भगवान ने चाहे तो इतने में सुन लेगो। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कन्हैया ते कहवे लगी, ए जी सुनते हो? बोले हाँ जी। बोले चलो संग। है का बात कर रही, अभी तो मामा ते उन्हें मिले? बोले महाराज मामा ते बाद में मिली, पहले प्रेमियों से मिलो। मामा तो आपका दुष्ट है, उससे क्या मिलना, पहले हमारी सुनो। बोले सुन, अभी तेरी नहीं सुनेंगे, अभी हम पहले मामा देख ले, बाद में तुम्हारी सेवा भी स्वीकार करेंगे। चले गए। भगवान किसी को निराश नहीं करते। कृष्ण अवतार में ठाकुर जी ने खूब प्रेम लुटाया, राम अवतार में सीता जी को देने के बाद किसी को प्रेम नहीं लुटाया। सुपर्णा बिचारी उल्टी लौट गई, ना कोर कटवा गई, खामा खामा है। एक आई पूरे अवतार में, एक आई बस, ए जी तुम सम पुरुष न हम सम नारी, कर लो विवाह हे रघुराई। बोले आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस, हम नहीं कर सकते। ले एक की भी इच्छा नहीं। और कृष्ण अवतार में तो आते जाओ लेते जाओ, आते जाओ लेते जाओ, जो दरबार में आ गया उसे ढेर सारा प्यार लुटाया, किसी को मनाई नहीं की। यही है मेरे कृष्ण, संपूर्ण ब्रह्म भगवान की लीला है ये, वो पूर्ण नहीं है संपूर्ण है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। तुम्हें भी प्रेम लुटा रहा है, अभी जो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल है ना, ये उसी के प्रेम की बदौलत। यही राम कथा सुना रहा होता ना तो मुलट भगवान से, ये प्रेम है। राम अवतार, राम कथा मर्यादित है। जब मैं भी कथा करता हूँ राम कथा, कभी कभी, हमेशा तो आप करवाते नहीं है, भागवती करता हूँ राम कथा, कभी कभी करता हूँ तो मुझे लगता है जैसे किसी ने बांध दिया मुझे। और कृष्ण कथा हो जाए तो अरे तेरा भगवान चकाचक, ये होता है, उनकी कृपा है सब, है ना। तो इसका मतलब है कृष्ण सबको प्रेम लुटाते। कंस को जाके मारा और कंस का वध करने के बाद, जैसे ही कंस का वध हुआ, मेरे प्रभु कंस का वध करने के बाद कुबजा के यहां पहुंचे और कुबजा की सेवा को स्वीकार किया। जरासंध कंस के ससुर, जरासंध की दो पुत्रियां अस्थि और प्राप्ति, जब जाके रोई कि हमारे सुहाग को उजाड़ दिया कृष्ण ने, तो जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई की और 17 बार कृष्ण ने जरासंध को परास्त किया, 18वीं बार ब्राह्मणों को बंदी बना लिया। और ब्राह्मणों को बंदी बनाकर कहा कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, और अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम्हें एक ही सजा मिलेगी, वो है मृत्यु दंड। भगवान में वो बल है कि इस कालियवन को समाप्त कर सकते हैं। याद रखिए, मनसे वाणी से कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा त्रिवेद, तीनों प्रकार से जीव की स्थिति सिर्फ धर्म की रक्षार्थ होना चाहिए, जीव का कर्म सिर्फ धर्म की ओर होना चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से, वचन से भी धर्म की क्षति होती है, याद रखिए आप लोग सब। जो लोग धर्म से जुड़े हुए लोगों की निंदा करते हैं वो धर्म की ही क्षति करते हैं। वजह, जिससे आप चुगली करते हो किसी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति की और वो सुन रहा है तो डेफिनेटली वो नास्तिक बन जाएगा। एक पाप उसे लगा
उसने सुनी। दूसरा पाप, वो नास्तिक हो गया। और उसे नास्तिक बनाने का श्रेय आपको जाता है, इसका पाप आपको लगेगा। फॉर एवरी वीकनिंग थॉट यू हैव पुट इनटू एनीबॉडीज हेड, यू विल हैव पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर तुम कोई बुरे विचार किसी के दिमाग में स्थापित करते हो तो उसका पाप भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, निश्चित तौर पर तुम्हें भोगना पड़ेगा। मैं यहां पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा, अगर किसी को बनाना चाहते हो ना तो आस्तिक बनाना, नास्तिक मत बनाना। वर्णन करना हो तो कृष्ण की करुणा का वर्णन करना, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना, राम की लीलाओं का वर्णन करना, कुछ भी ऐसा वर्णन मत करना जिसे सुनने के बाद जीव नास्तिक हो जाए। इतने लोग जितने यहां बैठे हैं इस कथा पंडाल में, मैं कहता हूं अगर 10% भी अपनी मेहनत करे अपने धर्म को आगे बढ़ाने में, तो मैं वायदा है, मेरा विश्वास है पूरे विश्व में हम और आप अपने धर्म का झंडा लेकर जाएंगे, और ऐसा होगा कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जैसे वो जगत का गुरु है वैसे भारत भी विश्व में जगत गुरु स्थापित हो जाएगा। लेकिन जैसे आपकी ताली कमजोर है वैसे ही आपका कर्म भी कमजोर है। आप पेट भरने के लिए काम करते हो, धर्म बचाने के लिए काम नहीं करते। ये बजाने से क्या होगा? याद रखिए, आप सिर्फ अपने पेट के लिए काम करते हो, कृष्ण तुम्हें देखे इसके लिए काम नहीं करते हो। और जो लोग करते हैं, मेरा कृष्ण उन्हें देखता है, मेरा गोविंद उन्हें देखता है। कृष्ण ने मार्गदर्शन कराया, हमेशा योद्धा बनकर ही धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, कभी कभी कायर बनना पड़ता है धर्म की रक्षा के लिए। कृष्ण ने किया ये। अगर मैं इस कालियवन को मार दूं तो ब्राह्मणों को मार दिया जाएगा, और ब्राह्मणों कौन है? ब्राह्मणों मुखवासी ना, ब्राह्मण भगवान का मुख है, फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ ब्राह्मण, ब्राह्मण गौ, साधु धर्म कहां से चलता है? गौ से, ब्राह्मण से, साधु से, पुराणों से, मंदिरों से, तीर्थों से, गंगा से, जमुना से, नर्मदा से। ये हमारे धर्म को प्रचलित करने का और धर्म को आगे बढ़ाने के स्थान है। ब्राह्मण की वाणी से धर्म का प्रवाह होता है, साधु के भेष से धर्म का प्रचार होता है। गंगा जमुना नदियां ये जहां जहां चली जाती हैं वहां लोगों को पवित्र करती हुई धर्म का प्रचार करती हुई निकल जाती हैं। गौ माता जिसमें 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं, तीर्थ जहां पर अयोध्या में राम रहते हैं, काशी में विश्वनाथ रहते हैं, जो उज्जैन में महाकालेश्वर रहते हैं, वृंदावन में बांके बिहारी, मथुरा में द्वारिकाधीश रहते हैं, वर्षाने में सर्वेश्वरी राधा, और दाऊ जी में बलराम जी महाराज रहते हैं, हरिद्वार में स्वयं बाबा भोलेनाथ, और बद्रीनाथ में नर नारायण रहते हैं, केदारनाथ में स्वयं महादेव रहते हैं। ये वो सारे तीर्थ हैं जहां पर हमारे भगवान विराजमान होकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। क्या ये तुम्हें याद नहीं? तुम्हें बताना पड़ेगा। यहां से धर्म का प्रचार होता है, तीर्थों से, ब्राह्मणों से, साधुओं से, भक्तों से। ये वो प्लेसेस है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हिंदू अपने आप को भूले बैठा है। तेरी एक ना चलेगी, छोड़ दे घमंड बेरी, छोड़ दे तेरी। सुनना जरा, ये ब्रज का रसिया है, शब्दों में ही बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। हो तेरी एक ना चलेगी, छोड़ दे घमंड बेरी, छोड़ दे पाप कर्म कर करी कमाई, पाप कर्म कर करी कमाई, पोल तेरी खूटेगी, गठरी पाप की बनेगी, छोड़ दे घमंड बेरी, छोड़ दे। तू कहता है मेरा
संग जाए ना कोई, तू कहता है मेरा मेरा संग जाए ना कोई। काया, योर ब्यूटिफुल बॉडी पार्ट्स, यू नो माई हैंड्स, माई लेग्स, माई आईज, माई नोज, माई माउथ, माई टंग, माई हेड, माई, दिस इज नॉट योर माई डियर, दिस इज कन्हैया का। तू कहता है मेरा मेरा संग जाए ना कोई, तेरी काया आग में जल जल लेगी, तेरी काया आग में जरेगी। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, काया आग में जरेगी। छोड़ दे घमंड तेरी, छोड़ दे, क्या कर दे, छोड़ दे घमंड बेरी, छोड़ दे, नहीं छोड़ना। धर्मो रक्षते रक्षितः, धर्म की रक्षा करो, ठाकुर जी तुम्हें बचा लेंगे, कोई और नहीं बचा सकता दुनिया में। ये देखो, ये दो तीन जो बुजुर्ग हैं ना, ये तैयार हैं अपना सफर करने के लिए, आखिरी रास्ते पर निकलने के लिए। जरूरी थोड़ी है कि कोई भी जाने को तैयार हो सकता है कभी भी, है ना, क्या बोलेंगे। तो धर्म की रक्षा